तो इन दो परिषद के साथ हमें मिलकर मोदी परिवार के माध्यम से श्रद्धा रोटी पर इसके पहले विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में सिलाई केंद्र भी प्रारंभ किए थे और उस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहने का अवसर मिला था। हमारे मंच पर विराजमान सरल मोदी जी, मनोज कोठारी जी, घनश्याम जी, हमारे संगठन मंत्री जितेंद्र जी और सभी यहां पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई लोग और भाइयों बहनों, जैसा कि अभी घनश्याम जी ने बताया, विश्व हिंदू परिषद का जो काम है वो देश भर के अंदर में हिंदुत्व को जागृत रखना, राष्ट्र के साथ में लोग जुड़े इस बात का प्रयास कर, और ये बात हम लोग सब लोग देख भी रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्मांतरण, मतांतरण, उनसे कहा जा रहा है मैं हिंदू नहीं हूं, मेरी कोई जात नहीं है। एक ये बहुत भयावह स्थिति निर्मित जब देश में और राज्यों में होती है, उस समय में विश्व हिंदू परिषद अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है और साथ में सेवा के काम करता है। सेवा ही संकल्प है और श्रीमती निकिता जी के पुण्यात्मा को शांति मिले, सेवा के कार्य में अपनी भूमिका निभाए, ऐसा प्रयास हमारे रमेश भाई मोदी जी और उनका पूरा परिवार का, ये वास्तव में मैं इसको ईश्वरीय कार्य मानता हूं कि अगर मां लक्ष्मी ने धन दिया है तो उस धन का जो है हम सदुपयोग करें, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, और इस कार्य के अंदर में मोदी परिवार आगे आए, अनन्य लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे कामों के माध्यम से लोगों को भी लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां भी मेरे परिवार के अलावा अनन्य मेरे अपने लोग भी हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ये कोई नारा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि जो कोविड कालखंड के समय हम देखे थे कि जो पीपीई किट है, N95 मास्क है, मैंने स्वयं ने जब देखा हरा के अंदर में पीपीई किट सरकार के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो रहा था तो कुछ लोगों से बात करके और स्वयं ने जब मैंने खरीदा था तो 1600 रुपए का खरीदा था और N95 मास्क हम लोग 300-350 रुपए तक का खरीद रहे थे। ये सत्य है, लेकिन इस कोविड कालखंड के अंदर में आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करके प्रधानमंत्री जी ने जो उद्योगों को बढ़ावा दिया, आज उसका परिणाम है कि हम पीपीई किट को जो है 100 रुपए 120 रुपए में बेहतरीन हम खरीद रहे हैं और 18-19 रुपए में N95 मास्क खरीद रहे हैं। इसका सहभागी बनना, इसका सहयोगी बनने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। ऐसी जो माता बहने हैं जो आधुनिक सिलाई में समाहित नहीं हो सकती है, उन माता बहनों को झोले सिलाना, मास्क सिले और अपने आय का एक जरिया कायम करें, और जो काम कर सकती है उस ट्रेनिंग के बाद में वो उसके जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रयास जो है
वो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो रहा है। ये राम रोटी के माध्यम से हमारी गौ माता, बेजुबान हमारे पशु, उनको भी अन्न मिले, उनकी भी भूख शांत हो, गरीब व्यक्ति की भी भूख शांत हो, इस बात का प्रयास विश्व हिंदू परिषद के साथ में मिलके मोदी परिवार कर रहा है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको मैं बधाई देता हूं और ईश्वर आपको शक्ति दे इस प्रकार के कार्यों में आने वाले समय में और आपकी अग्रणी भूमिका हो। और भगवान जो हमारी बहू निकिता जी है उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, इसी प्रार्थना के साथ में जय श्री राम।